नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं आप लोग? भीम सिंह जी फ्रॉम सवाई माधोपुर, शर्मा जी, अरे खुद ही जी लगा लोगे तो फिर हम क्या लगाएंगे। विराट सैनी टारगेट यूपीएससी, दिव्या जी शर्मा, अनुराधा जी शर्मा, प्रहलाद जी बैरवा, वेलकम एवरीबडी। जिसका नाम नहीं ले पाया कोई बात नहीं, धीरे धीरे लेते रहेंगे। अब वैसे नाम तो प्रभु का लेना चाहिए। एनीवेज, तो चलिए आज चर्चा की शुरुआत करते हैं बिना वक्त गंवाए। देखो साथियों, हम जो लास्ट सेशन में बात कर रहे थे उसी बात को इस सेशन में हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपको सारे क्लासेस के लिंक या फिर लक्ष्य क्लासेस से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं या फिर स्टडी मटेरियल हैं, चाहे नोट्स हो या चाहे कुछ भी क्लास का शेड्यूल्स हो, वो सारे के सारे आप व्हाट्सएप चैनल से या फिर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए ये सामने जो QR कोड लगा हुआ है उसी के जरिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन पर ऐप भी मिल जाएगा लक्ष्य क्लासेस का, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारा दूसरा सेशन होगा जो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। और मैं एक बार ब्रीफिंग कर देता हूं जहां मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से। देखिए, हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे भील आदिवासी आंदोलन के बारे में। आदिवासी आंदोलन या जनजातीय आंदोलन एक ही बात है। इसमें हम बात कर रहे थे गमेती भील आंदोलन के बारे में, क्योंकि राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में यह सबसे एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिन्हें हम गमेती भील आंदोलन कह सकते हैं। ये आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी चर्चाएं हम लास्ट सेशन में कर चुके थे। मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर, कि इस आंदोलन के पीछे जो मुख्य वजह रही थी तो समय समय पर पड़ा हुआ अकाल, और साथ ही साथ इसके पीछे जो वजह थी वो वजह ये भी थी कि जब 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की गई थी महाराणा भीम सिंह द्वारा, तो महाराणा भीम सिंह द्वारा संधि करने के बाद में भीलों के जो अधिकार क्षेत्र में दो आय के स्रोत थे, रुकवाड़ी और बोलाई, ये दोनों कर समाप्त हो गए थे कंपनी से संधि करने के बाद में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इसके बदले में 1825 ईस्वी में सेमारी गांव में दौलत सिंह ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। दौलत सिंह के नेतृत्व में सबसे पहले आवाज उठाई गई थी और भील आदिवासी लोगों ने जो है वह आर पार की लड़ाई शुरू कर दी थी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एक कमर और तोड़ी गई बेचारे इस भोली जनजाति की, और वह 1865 के आसपास महाराणा सज्जन सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी ने जो है भीलों का जो आय का स्रोत था, मौड़ी बनाने का अधिकार यानी देशी शराब बनाने का अधिकार, वो भी छीन लिया गया था। और भीलों के आराध्य देवता ऋखब देव जी के मंदिर में जाने से मनाई कर दी थी, प्रतिबंधित कर दिया गया था सब। इसी कारण से भीलों ने सबसे पहले एकीकृत प्रयास जो किया था, वह एकीकृत प्रयास किया था 1881 में बारापाल में। और बारापाल में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था कर्नल लोनार्ग्यून के नेतृत्व में। MBC टूट पड़ी थी इस भोली जनजाति पर और बड़ा भयंकर मारकाट मचा दी गई थी। चलिए अब आगे चलते हैं कि आगे इस आंदोलन में क्या हुआ, कैसा पड़ाव आया। देखिए, इस आंदोलन का जो पहला चरण है, फर्स्ट फेज जिसे हम मानते हैं, इतिहासकारों ने पहला चरण कहा है उसे, वो प्रथम चरण जो है वह स्टार्ट होता है 1883 से लगाकर 1913 के बीच में, ठीक है साहब, जिसको नेतृत्व प्रदान किया था गोविंद गिरी ने। मैंने आपसे लास्ट सेशन में बताया था गोविंद गिरी या गोविंद गुरु, जिनका जन्म हुआ था बांसियां गांव में। बांसियां गांव ये वर्तमान में डूंगरपुर के अंदर है। वहां पर ये बंजारा जाति से संबंधित थे,
परिवार के बारे में इतिहास में कोई विशेष उल्लेख नहीं आता इनके बारे में, सिर्फ इतना बताया जाता है कि ये बंजारे थे जाति से, और बंजारों का काम उस जमाने में नमक का व्यापार करना था। चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नमक को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रखा था, आपको पता होगा नमक को लेकर भारत में बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन भी हुए हैं, अनुराधा जी एंड करीलाल जी, नमक को लेकर भारत में गांधी जी ने भी आंदोलन किया। तो कहीं ना कहीं ये नमक वाली जो चीज है वह हमेशा ब्रिटिश सरकार की और यूरोपियंस की नजर रही है। अब आप लोग थोड़ा सा यहां पर यह सोचने का प्रयास करें कि नमक का आखिरकार ये ब्रिटिश सरकार इतना नमक पे टारगेट क्यों करती है, फोकस क्यों करती है। तो यह समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं देखो राजस्थान का हिस्ट्री का रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ना है या पढ़ाना है तो आपको इंडिया का हिस्ट्री आना चाहिए, क्योंकि जब इंडिया का ही पार्ट है राजस्थान, जब तक आपको इंडिया का इतिहास नहीं आ सकता तब तक राजस्थान हिस्ट्री नहीं आ सकता। और अगर इंडिया का इतिहास आपको पढ़ना है पढ़ाना है तो आपको वर्ल्ड के इतिहास के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी उसको आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा नमक को ये लोग टारगेट इसलिए करते थे क्योंकि आपको पता है यूरोप में वर्ष भर ठंड पड़ती है, अभी हमारे यहाँ पर सर्दी है ना, तो यूरोप में जो ये आपके यूरोप के जितने भी कंट्री हो गए, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे भयंकर ठंड पड़ती है। तो ये लोग क्या है, अपना जो मीट है ना, मांस, सब्जियों में नमक डालने के लिए नमक पर एकाधिकार नहीं करते, मीट है उस मांस को सड़ने से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है, मछली के सड़ने से बचाने के लिए ये नमक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नमक की काफी डिमांड थी, और जहां जहां पर ब्रिटिश सरकार ने हो या फिर यूरोपीय जो भी हैं, फ्रांस सरकार हो गए या फिर पुर्तगाली हो गए, इन सब ने हर कंट्री के अंदर सबसे पहले वहां के नमक पर अधिकार कर रखा था। अमेरिका में भी नमक पर अधिकार कर रखा था इन्होंने, है ना। तो बंजारों का जो काम था नमक का व्यापार, वो अब इनसे छिन गया था। तो नमक का व्यापार छिनने की वजह से गोविंद गिरी जैसे आदमी अब बेरोजगार हो चुके थे, अब वे सीधा चले गए थे बूंदी, और बूंदी में एक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो व्यक्ति थे जिनका नाम था राजगिरी, राजगिरी से इन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर इन्होंने यूं कहे तो एक तरह से भगवा धारण कर लिया, बाबा जी बन गए थे, ठीक है साहब। जब ये भगवा इन्होंने धारण किया, और भगवा धारण करने के बाद में रुद्राक्ष की माला पहनना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में गोविंद गिरी जो है बूंदी से वापस आकर सीधा उदयपुर आए, और उदयपुर के अंदर उस समय गुलाब बाग में, उदयपुर के गुलाब बाग में वहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती, मैंने कल भी बताया था, महर्षि दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में वहां पर प्रवचन चल रहे थे। जैसे कि आजकल प्रवचन नहीं चलते, वैसे महर्षि दयानंद सरस्वती को वहां पर हर कोई रियासत का राजा जो है वह आकर उन्हें इनवाइट करता था महर्षि को, और वह उनके प्रवचन शुरू होते थे। जैसे आजकल कथावाचक कथाएं नहीं कहते, ठीक उसी प्रकार से, तो उनके प्रवचनों को सुनते थे। तो गोविंद गिरी को भी लगने लगा कि भीलों की आखिरकार समस्या कौन है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अपने विवेक से और बुद्धि का प्रयोग करते हुए मुझे एक बात बताना, अगर आपका कोई आय का स्रोत, आप जिस दुकान को लगा के बैठे हो या फिर कोई काम कर रहे हो, वो काम आपसे कोई छीन ले, या फिर यूं कहें तो मान लीजिए कि आप जिस काम को कर रहे हो वह आपका रोजगार कोई छीन ले, उस पर अधिकार कर ले, तो आप क्या चोरी करोगे, डकैती करोगे, लूटपाट करोगे, या फिर मौड़ी पीना स्टार्ट कर लोगे, दारू वारू पीना स्टार्ट कर लोगे, नहीं करोगे ना। तो ये काम एक सभ्य समाज में अच्छा नहीं दिखता, ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, मेरे ऊपर मत सोचना, ऐसा गोविंद गिरी सोच रहे हैं। गोविंद गिरी को ये लगने लगा
कि भील जनजाति के अंदर सामाजिक और धार्मिक बुराइयां बहुत हैं, सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां बहुत हैं। जैसे कुछ कुरीतियों के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कुरीतियां जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था, जैसे कि मौड़ी पीना। अब मौड़ी पीना मतलब देशी शराब आप पी रहे हैं और मौड़ी अगर आपने गटक ली तो वैसे भी इंसान कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पकड़ेगा। भाई शराब पीने के बाद में आदमी को होश थोड़ी रहता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे कि इनमें एक और बुराई थी, जैसे कि डाकण प्रथा, हर किसी के ऊपर आक्षेप लगा लेना कि यह डाकण है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक और धार्मिक बुराइयां थी, डाकण, इसके अलावा हिंगाड़ी प्रथा, इसके अलावा बहुत सारी, जैसे मोताना। ये मोताना आपने सुना होगा शायद, इस क्षेत्र में काफी हद तक आज भी खत्म नहीं हुआ मोताना, यानी मौत का हर्जाना। अब होता क्या है, रास्ते में जैसे कि कोई आदमी, आप भी अगर कभी वागड़ या मेवाड़ क्षेत्र में बाइक लेके या फिर अपनी कार लेके जाओगे ना, तो वहां पे अगर रास्ते में कोई आदमी बीच में आ गया और उसको आपने बछेड़ बछेड़ ठोक ली, तो भाई साहब वहां पे डाकण प्रथा सब जगह है, हर जाति में देखने को मिल जाएगी। ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी जाति का टैग नहीं लगा हुआ है, डाकण लगभग कॉमन है, गांवों में मिल जाती है, ठीक है, गांवों में मिल जाती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ डाकणें मिल जाती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक तरह सा धार्मिक अंधविश्वास है। कुछ लोग कहते हैं कि ये होती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होती है। भाई साहब वो मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। मैं मोताने की बात कर रहा था, तो मोताने का मतलब होता है कि मौत का हर्जाना। हिंगाड़ी मैंने कल आपको समझाया था, डाकण होता है जीवती और हिंगाड़ी होती है मरी हुई, जिसको हम चुड़ैल कहते हैं। हिंगाड़ी जो लंबे लंबे दांत होते हैं, घूंघट निकाल के आती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं, रात को अचार और रोटी मांगती हैं, जरक के ऊपर बैठती हैं, ऐसे बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वास थे इनके अंदर। समझ रहे मेरी बात? मोताना मौत का हर्जाना, मतलब रास्ते में जैसे कि कोई आदमी खड़ा है और आपने उसको बछेड़ ठोक दी, तो बछेड़ ठोकने के बाद में अगर वो मरमरा गया तो उसको न तो जलाएंगे ना दफनाएंगे, वही घेर के बैठ जाएंगे कि मौत का हर्जा ना ला, ठीक है। पहले तो चलो कोई बात नहीं, वो एक्सीडेंटल होता था, धीरे धीरे तो ये प्रथा, देखो कोई भी प्रथा होती है ना उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, लेकिन वो प्रथा कुप्रथा में कैसे बदलती है, जब अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करना स्टार्ट कर लेता है व्यक्ति। जैसे कि मोताना मौत का हर्जाना, ये लोग कहीं पर भी रास्ते में, जैसे कि कोई इनकी भेड़ बकरी है तो भेड़ बकरी को रास्ते में डाल देंगे, आप उधर से जा रहे हो बाइक लेके या मोटरसाइकिल लेके, रास्ते में डाल देंगे, अब वो मर गया भाई साहब, ठीक है, तो ले मौत का हर्जाना ला, समझे। तो ऐसी बहुत सारी इनके अंदर सामाजिक और धार्मिक बुराइयां थी, जैसे छेड़ा फाड़। छेड़ा फाड़ एक तरह से तलाक था, ठीक है, कुछ नहीं है, साड़ी का पल्लू या ओढ़नी का पल्लू फाड़ा, तलाक। और सबसे बड़ी जो भीलों में जो प्रॉब्लम थी वह थी, ये लोग हाड़ी बनते थे, सागड़ी बनते थे। हाड़ी या सागड़ी प्रथा एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी, जिसमें होता क्या था, हाड़ी या जो सागड़ी होता था ना, अब उसको एक तरह से आप बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। बंधुआ मजदूर मतलब उससे बेगार लेना, बिना पेमेंट के काम करवाना। तो गोविंद गिरी ने सोचा कि जब तक भील लोग अपनी सामाजिक और धार्मिक बुराइयां दूर नहीं करेंगे, तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। बात समझे? हाँ, नाथा प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं थी, ठीक है। तो इन सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया था, जिसे हम भगत आंदोलन कहते हैं, ठीक है। ये भगत आंदोलन इन्होंने चलाया 1883 ईस्वी में, बांसिया गांव के पास में एक गांव है बेड़सा, बेड़सा डूंगरपुर में है, वहां पर इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। अब प्रैक्टिकली समझना, ये भगत आंदोलन है क्या। भगत आंदोलन वही है, सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास गोविंद गिरी का, ठीक है। अब वो सामाजिक और धार्मिक बुराइयां कैसे दूर करेंगे, जरा समझने का प्रयास करना, ध्यान से सुनते जाओ, कमेंट्स की तरफ वगैरह ध्यान मत दो, आप पढ़ाई करने आए हो तो सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ।
जो चीज़ समझ में नहीं आती, कोई कंफ्यूजन है, तो बी फ्रेंकली वहां पे सवाल कहना करना बनता है, ठीक है। तो बेड़सा गांव के अंदर इन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की। कैसे? देखिए, अभी तक गोविंद गिरी ने जो सीखा था, कहां से सीखा था? एक तो राजगिरी से सीखा था, ठीक है। देखो, मैं इतिहास जब भी पढ़ाता हूं, पढ़ाता तो नहीं हूं, मतलब यूं समझ लो इतिहास के बारे में जो गाइड करता हूं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो हम इतिहास पढ़ते हैं, मैं खुद एक इतिहास का विद्यार्थी हूं, लगभग 14-15 साल पढ़ाने का अनुभव है, तो आई नो वेरी वेल कहां से सवाल बनते हैं, कहां से नहीं बनते हैं। तो इस भगत आंदोलन के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। गोविंद गिरी ने जो भगत आंदोलन चलाया, वो भगत आंदोलन, उसका मेन मोटिव क्या है? सामाजिक और धार्मिक सुधार, ठीक है। जो भीलों के अंदर जो सामाजिक और धार्मिक बुराइयां हैं, उसे दूर करने का प्रयास करना, ठीक है। तो इन्होंने ये भगत आंदोलन की शुरुआत कैसे की? देखिएगा, अभी अभी मैंने कुछ पहले देर कहा था कि ये राजगिरी के पास में गए थे बूंदी, तो वहां से सीखा इन्होंने। इसके अलावा मैंने कहा था महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रवचन सुनने के लिए गुलाबबाग उदयपुर में आते थे, तो वहां से सीखा इन्होंने। तो वहां से सीखने के बाद में कहीं ना कहीं इन्होंने एक तो प्रेरणा ली किससे? राजगिरी से, और दूसरी प्रेरणा इन्होंने ली महर्षि दयानंद सरस्वती से। महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरणा इन्होंने ली, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। और ये शुद्धि आंदोलन क्या था, मैंने कल भी आपको कहा था, बहुत सारे हिंदू जो हिंदू धर्म से परेशान होकर दूसरे धर्मों में पलायन कर गए थे, उनको वापस अपने धर्म की तरफ लाना, ठीक है। तो वैसा का वैसा उसी आंदोलन की तर्ज पर गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, जिसे हम भगत आंदोलन कहते हैं। कहां से चलाया था? बेड़सा गांव डूंगरपुर से, ठीक है साहब। अब इन्होंने यहां पर बेड़सा गांव में सबसे पहले क्या किया, सुनना ध्यान से। देखिए, अभी यहां पर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करूंगा। आपको क्या लगता है, आज भी आदिवासी क्षेत्रों के अंदर अभी तो भील लोग काफी शिक्षित हो चुके हैं? कभी आप बागड़ में देखोगे या मेवाड़ अंचल में देखोगे, तो ये आदिम जनजाति अब आदिम जनजाति नहीं रही, काफी शिक्षा का प्रचार हो चुका है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे इंटीरियर गांव हैं जहां पर शिक्षा का बहुत अभाव है। आप सोचिए, ये भोली जनजाति जिनमें शिक्षा का अभाव है, उनके बीच में जाकर वहां पर आप अपनी कोई बात रख रहे हो, तो उसे वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे साहब, क्यों नहीं मानेंगे? समझ पा रहे हो? तो गोविंद गिरी, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती के शुद्धि आंदोलन से सीखा था, साथ ही साथ में राजगिरी जो कुछ सीखा साखा था, वो वहां पर उन्होंने कहना आरंभ कर दिया। और भीलों में वैसे भी शिक्षा उस समय नहीं थी, बेचारी भोली जनजाति थी, ठीक है। तो वहां गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव में क्या किया, एक तो धूणा स्थापित करवाया, धूणा स्थापित किया, धूणा मतलब समझते हो, धूणी लगाई, बाबूजी बन गए, बाबा जी बन गए, ठीक है। और वहां पर निशान स्थापित किया, धूणा और निशान स्थापित किया, इनका निशान था चिमटा। बाबा जी ने धूणा लगाया और चिमटा ठोक दिया, ठीक है साहब। अब बाबा जी ने वहां पर धूणा और निशान लगा लिया है बेड़सा गांव में, तो आपको क्या लगता है, बेड़सा गांव के आसपास के लोग वहां नहीं आएंगे बाबा जी से मिलने के लिए? आपको पता है कि भीलों में बहुत सारी कुप्रथाएं थी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो समस्या है। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम सामने आता है, जिसका नाम था कुरिया रोत, कुरिया रोत। और एक इनके खास शिष्य थे जिनका नाम था रामा आहारी, और एक इनके सबसे क्लोज और सबसे राइट हैंड कहलाने वाले पूंजा पारगी, पूंजा पारगी या पूंजा धीरजी भी कहते हैं, धीरजी इनके पिता का नाम था। ये पारगी, आहारी और रोत, ये भीलों के गोत्र होते हैं, ठीक है। अब हुआ कुछ नहीं थी साहब, ये कुरिया रोत की एक पत्नी थी ना कमली, कमली
उस कमली को डाकण लगी हुई थी, डाकण। अब डाकण होती है या नहीं होती है, ठीक है, तो कमली को लगी हुई थी डाकण, और वो अपनी लुगाई को लेकर कुरिया रोत आया बाबा जी के पास में। और बाबा जी को कुछ आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाबा जी ने धूणे से भस्म निकाली और घसी, और वो भाव पाड़ती पाड़ती आई और दो तीन डाके ठोके चिमटे मिमटे, और डाकण उतर गई। जबकि डाकण वाकण कुछ नहीं होता, ये धार्मिक अंधविश्वास है। तो आप सोचो कि वहां पर तो एक तरह से बाबा जी का चमत्कार हो गया। आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बाबा जी ऐसे ही तो फेमस होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, ठीक है। एक आध चमत्कार कर दिया, वो चमत्कार पूरे हिंदुस्तान में छा जाएगा, ठीक है। तो अब कुरिया रोत तो बाबा जी के भगत बन गए साहब, ठीक है। रामा आहरी वो भी भगत बन गए, पूंजा धीर जी वो भी बाबा जी के भगत बन गए। अब गोविंद गिरी फेमस हो गए, ठीक है साहब। गोविंद गिरी धीरे धीरे फेमस होना स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे पूरे बेड़सा में ये बात फैल गई कि एक चमत्कारी बाबा है जो सब समस्या का समाधान कर देते हैं। अब धीरे धीरे वहां पर बेड़सा में लोगों का झमघट स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है साहब, झमघट होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे पूरा डूंगरपुर वहां पर आने लगा, ठीक है, और आसपास की रियासतों के जितने भी लोग हैं वह भी आने लगे। देखिए टॉपिक के स्टार्ट में मैंने कल वाली क्लास में कहा था, याद होगा आपको, यह आंदोलन सिर्फ डूंगरपुर में नहीं हुआ है, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, उस जमाने के हिसाब से सोचो, ठीक है, इसके अलावा उदयपुर, भीलवाड़ा, ये सारी रियासतें राजस्थान की जहां पर भील बाहुल्य इलाका है, आदिवासी जनजाति बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। गुजरात में लिमड़ी, दाहोद, ईडर, संतरामपुर जिसे पहले सूंध कहा जाता था, बड़ौदा, छोटा उदयपुर, ये सारे गुजरात के भील बाहुल्य इलाके हैं, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में झाबुआ, झोबट, रतलाम, नीमच, ये सारे मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके हैं। और मैं आपको बता दूं, यहां की 80% से भी अधिक जनसंख्या एसटी है, शेड्यूल ट्राइब्स है, मानते हो, ठीक है। आप जरा सोचिए कि गोविंद गिरी अब बेड़सा में चमत्कारी पुरुष बन चुके हैं, धीरे धीरे करके डूंगरपुर रियासत के सारे लोग वहां पर आते गए बाबा जी को चमत्कारी मानते हुए, और धीरे धीरे करके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, लिमड़ी, दाहोद, ये पूरे जितने भी इलाके हैं वहां की 80% जनसंख्या अब गोविंद गिरी को फॉलो करने लगी थी, ठीक है। पूरी बात सुन लीजिएगा, जब गोविंद गिरी को ये पूरी जनसंख्या फॉलो करने लगी, आप जरा सोचिए कि गोविंद गिरी तो इनडायरेक्टली एक सरकार हो गई उनकी, तो जिस क्षेत्र की रियासतों की 80% जनसंख्या किसी एक व्यक्ति को फॉलो कर रही है, तो समझ लीजिए उन रियासतों के राजाओं का क्या हाल हुआ होगा। और इतना ही नहीं, जब एक व्यक्ति को, यानी गोविंद गिरी को, इतने लोग फॉलो कर रहे हैं,
तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना पावरफुल रहा होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये नई रिसर्च है, सारी चीजें मैंने खुद अपने हाथों से रिसर्च कर रखी है ये सारी चीजें। अब साहब क्या होने लगा कि गोविंद गिरी के जब आंदोलन इन्होंने ये किया था भगत आंदोलन, तो इस भगत आंदोलन के अंदर गोविंद गिरी पहले जो प्रवचन देते थे वो सामाजिक और धार्मिक सुधार के देते थे। वो कहते थे मौड़ी नहीं पीनी, डाकण ये हुइंगाड़ी मोताना कुछ नहीं करना है आपको, ये जो सवर्ण कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, उनकी तरह रहना है आपको, ठीक है। अब गोविंद गिरी धीरे धीरे, अब उनका ये आंदोलन जो है ना वह सामाजिक और धार्मिक जो प्रारंभ में था वह अब धीरे धीरे उनका आंदोलन राजनीतिक स्वरूप लेने लगा। बात समझ रहे हो? अब वो धर्म से ज्यादा अब बात करते थे राजनीति की। गोविंद गिरी के प्रवचनों में अब धीरे धीरे यह भी शामिल होने लगा कि आप आदिवासी हो, आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन, आप इसी धरती के मालिक हो, समझ गए। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स है या नहीं है? है। इतना ही नहीं, गोविंद गिरी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया साहब, उन्होंने प्रत्येक गांव में, अभी तक वो मानगढ़ वाली बात तो बहुत लेट आएगी मेरे भैया, अभी तक तो इस आंदोलन को पूरा अच्छे से समझो। प्रत्येक गांव में इन्होंने धूणा स्थापित करवाया, धूणी लगाई और वहां पे निशान स्थापित करवाया, चिमटा लगाया, और हर गांव में एक तरह से कोतवाल की नियुक्ति कर दी, कोतवाल नियुक्त किया हर गांव में। कोतवाल समझते हो? गांव में जैसे मंदिर में नहीं होता कोटवाल, जिसे आप लोग कोटवाल कहते हैं, वो नियुक्त कर दिया। यानी आप जरा सोचिए, गोविंद गिरी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार बना दी है, जो सरकार दिखती नहीं है लेकिन वास्तव में वो सरकार है। अब आप जरा सोचिए, जिस क्षेत्र की 80% जनसंख्या गोविंद गिरी को फॉलो कर रही है और गोविंद गिरी का हर गांव में एक एक कोतवाल नियुक्त है, तो कहीं ना कहीं इन रियासतों को गोविंद गिरी से समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी। होगी कि नहीं होगी आप मुझे बताइए। डेफिनेटली होनी है। तो गोविंद गिरी पर अब एक्शन होगा, और एक्शन कौन करेगा? जहां पर गोविंद गिरी बैठे हैं, गोविंद गिरी कहां बैठे हैं? बेड़सा गांव में। तो एक्शन किसकी तरफ से होगा? एक्शन सबसे पहले होगा, वो बाद वाली बातें हैं, पहले इस टॉपिक पे फोकस कीजिए। सबसे पहले एक्शन होगा वहां की डूंगरपुर की सरकार की तरफ से। तो डूंगरपुर के उस समय महारावल थे जिनका नाम था उदय सिंह। डूंगरपुर के महारावल थे उदय सिंह। ये उदय सिंह काफी छोटे थे, तो उन्होंने अपने एक जागीरदार, जो सेमलवाड़ा का जागीरदार था, सेमलवाड़ा, आपने इस जगह का नाम सुना होगा, सेमलवाड़ा का जागीरदार, सेमलवाड़ा जिसे वर्तमान में सीमलवाड़ा कहते हैं, सेमलवाड़ा का जागीरदार था, उस इत्तेफाक से उसका भी नाम उदय सिंह था। उस उदय सिंह को कहा कि वो गोविंद गिरी पर कार्यवाही करे। तो सेमलवाड़ा के जागीरदार ने सीधा बेड़सा पर हमला कर दिया, और बेड़सा पर हमला करके गोविंद गिरी का धूना वूणा तोड़ दिया, उनके निशान और चिमटे सारे ले लिए, और गोविंद गिरी की जमके वहां पर किरकिरी की और अल्टीमेटम दिया कि दोबारा बेड़सा में दिखना नहीं चाहिए। मतलब साफ है कि अब उनका डूंगरपुर रियासत में आना पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। इवन इतना ही नहीं, जो बेड़सा में इनका धूना था ना, जहां पर बाबूजी अपनी धूनी जमाते थे, वहां पर 12 बोकड़े काटे और 12 कुकड़े काटे। 12 बोकड़े, बोकड़े मतलब समझते हो, वहां की लोकल भाषा में बकरों को कहते हैं। 12 बोकड़े और 12 कुकड़े
कुकड़े मतलब समझते हो आप, मुर्गे काटे। जबकि गोविंद गिरी ने तो मांस और मदिरा से दूर रहने की बात की थी, भीलों को मौड़ी से दूर रहने की बात की थी। इतना भयंकर वहां पर अपमान किया गया और गोविंद गिरी को अल्टीमेटम देकर बेड़सा से निष्कासित कर दिया। गोविंद गिरी बेड़सा छोड़कर वहां से आ गए सीधा उकरेली गांव। अभी तक आपने आंदोलन या इतिहास के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया है, वास्तविकता आप नहीं जानते। आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप। उकरेली गांव आ गए। ये उकरेली गांव जो है वर्तमान में गुजरात का जो ईडर है और जो संतरामपुर है उसके बीच में है, वहां पर आ गए। और वहां पर ये कर रहे थे हाड़ी की नौकरी। भाई अपना गुजारा तो चलाना पड़ेगा ना, तो वहां पर आकर उकरेली गांव में ये हाड़ी की नौकरी करते थे। वहां पर यू समझ लीजिए अपना गुजारा चलाते थे। और किसके यहां पर हाड़ी की नौकरी करते थे? संतरामपुर, जिसे उस समय सूंत कहा जाता था, सूंत या संतरामपुर। संतरामपुर का एक थानेदार था जिसका नाम था गुल मोहम्मद। उस गुल मोहम्मद के यहां पर ये हाड़ी की नौकरी करते थे। समझ गए मेरे प्यारे? सूंत या संतरामपुर के जो एक इंस्पेक्टर था, पुलिस अधिकारी था, थानेदार था, उसके यहां पर ये हाड़ी की नौकरी करते थे। मतलब दिन में तो बंधुआ मजदूरी करते थे और शाम को अपने उकरेली गांव में वही धूना जमाना और वहां पे वही जो है वही निशान स्थापित कर लिया। एक बात बताओ, गोविंद गिरी की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है इस भगत आंदोलन की वजह से, तो आपको क्या लगता है गोविंद गिरी के उकरेली गांव जाने से क्या उनकी फैन फॉलोइंग कम हो गई होगी या बंद हो गई होगी? बाबूजी का लोगों ने पीछा तो किया ही होगा, फॉलो तो किया ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वहां पर भी, उकरेली में भी उन्होंने धुना स्थापित किया था और वहां पे निशाना लगाया था और वहां पर भी वही काम करते थे। वही शाम को बैठना, लोग जातरू आते थे, दर्शन करने के लिए आते थे, गोविंद गिरी बैठ जाते थे, प्रवचन शुरू कर देते थे। समझ गए? धीरे धीरे वक्त बीता यहां उकरेली गांव में। एक समय ऐसा आया कि इस सूंत थाने का जो थानेदार था ना, ये थानेदार ये बड़ा बदमाश आदमी था जिसका नाम था गुल मोहम्मद। इस गुल मोहम्मद ने जबरदस्ती जो गोविंद गिरी के दाएं हाथ कहलाते थे, सबसे खास थे, जिनका नाम था पूंजा पारगी, जिन्हें पूंजा धीरजी भी कहा जाता है, पूंजा पारगी को जबरदस्ती शराब पिलाई, मौड़ी पिलाई और गांजा पिलाया। जबकि भील आदिवासी गांजा, चरस, ये मौड़ी, मांस मदिरा छोड़ चुके थे गोविंद गिरी के कहने पर, जबरदस्ती शराब पिलाई। ठीक है, तो कहा यह जाता है कि पूंजा पारगी ने इस गुल मोहम्मद को, जो ये संतरामपुर का थानेदार था, उस थाने को आग लगा दी पूंजा पारगी ने। अब थाने को आग लगाई है और गोविंद गिरी का खास आदमी है पूंजा पारगी, तो सीधा सीधा आरोप किसके ऊपर आएगा? गोविंद गिरी पर। तो पूंजा पारगी पर यह आरोप आया कि उसने गुल मोहम्मद की हत्या कर दी है, जबकि यह झूठा केस था। जरूर थाने को आग लगाई थी। अब वो थाने को भी उसने क्यों आग लगाई? क्योंकि जबरदस्ती लोगों को ये गांजा पिला रहा था, मौड़ी पिला रहा था। अब आप यहां पे ये सोचिए कि ये जबरदस्ती मौड़ी क्यों पिला रहा था? भाई साहब देखो, 80% जनसंख्या जो पहले खुद मौड़ी बनाती थी, अब उनको मौड़ी बनाने का अधिकार भी बंद कर दिया। ठीक है, अब मौड़ी बनाने का उनका अधिकार तो छीन लिया गया,
लेकिन भाई साहब अब वो 80% जनसंख्या, उनको पीने का अधिकार तो नहीं छीना था ना। अब आप जरा सोचो कि अगर भील लोग, आदिवासी लोग मऊड़ी नहीं पिएंगे तो इन रियासतों को इनकम कैसे होगी? लिमड़ी, दाहोद, ईडर, संतरामपुर, इन रियासतों को इनकम कैसे होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, जब लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के बाद में जब लॉकडाउन खुला था तो सरकार ने सबसे पहले किसकी दुकानें खोली थी? किसकी दुकानें खोली थी? शराब के ठेके खोले थे ना। क्यों? क्योंकि सरकार को शराब से ज्यादा इनकम होती है। अब भील आदिवासी 80% जनसंख्या अगर मऊड़ी नहीं पिएगी तो सीधा सीधा रेवेन्यू का घाटा तो बहुत होगा इन रियासतों को। इसलिए इस गुल मोहम्मद को स्पेसिफिक कहा गया था कि ये भीलों को मऊड़ी पिलाए, और भील लोग मऊड़ी पीना बंद कर दिया था इन्होंने। तो सीधा सीधा गुल मोहम्मद ने, जो पूंजा पारगी ने जब थाने को आग लगाई तो सीधा सीधा ये आरोप आया किसके ऊपर? गोविंदगिरी के ऊपर। और गोविंदगिरी के ऊपर जब यह आरोप आया तो उकरेली में भी उनका धुना तोड़ दिया गया, और वहां से भी उन्हें अल्टीमेटम देके निकाल दिया गया कि वह संतरामपुर ठिकाने में वापस प्रवेश नहीं कर सकता। अब गोविंदगिरी कहां जाए? ठीक है, कहां जाए गोविंदगिरी? पहले उन्हें डूंगरपुर रियासत में बैन कर दिया गया, अब संतरामपुर ठिकाने में बैन कर दिया गया। इसलिए गोविंदगिरी संतरामपुर को छोड़कर सीधा आ गए मानगढ़ की पहाड़ी पर। यह मानगढ़ की पहाड़ी आधी जो है वह बांसवाड़ा में है और आधी जो है वह है गुजरात में। यह राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर है मानगढ़ की पहाड़ी, और यहां पर आकर वापस वही काम शुरू किया जो वो पहले करते थे, वही धूना लगाना, निशान स्थापित करना। इस आंदोलन को फील करो आप, ठीक है। मानगढ़ की पहाड़ी पर आकर उन्होंने वहां पर भी धूना लगाया और निशान स्थापित कर दिया, यानी बाबूजी ने चिमटा गाड़ दिया अपना, ठीक है। और लाखों की तादाद में वहां पर मानगढ़ की पहाड़ी पर आदिवासी लोग पहुंचते थे, हाथ में नारियल की टोपाली लिए। नारियल की टोपाली समझते हो? आधा नारियल नहीं होता वो टोपाली, नारियल की वो नारियल, उसमें घी डाल के आते थे आदिवासी लोग और उस धुणे में डालकर जो है इर्द गिर्द बैठ जाते थे, फिर गोविंदगिरी के प्रवचन शुरू हो जाते थे। वही प्रवचन, तुम लोग यहां के लोकल निवासी हो, जल जंगल जमीन तुम्हारा है, ये तुम्हारा घर है, ये जो सवर्ण कास्ट के लोग हैं, जैसे कि ये दूसरी जो ऊंची वर्ग के लोग हैं, ये तुमसे अच्छे नहीं हैं, तुम लोग अच्छे हो क्योंकि इसी जमीन के मालिक हो, ये तुम्हारी जमीन है। इस तरह से अब पॉलिटिक्स चलने लगी थी। अब आप जरा सोचो कि कहीं ना कहीं गोविंदगिरी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, मुझे ये बताओ, चला रहे हैं? क्या ये बात आसपास की रियासतों को पच सकती है? कतई नहीं पच सकती। समझ गए मेरी बात? कतई नहीं पच सकती उनको बात। वक्त बीतता गया, ठीक है। मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंदगिरी 1903 में आए थे, ठीक है। 1903 से 1913 तक मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंदगिरी रहे, यहां पर धूना स्थापित किया, निशान लगाया, वही चिमटा स्थापित किया। हर वर्ष कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कार्तिक पूर्णिमा, कहीं कहीं पे मार्गशीर्ष पूर्णिमा, लाखों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा होते थे। गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश के लाखों की तादाद में वहां भील लोग आते थे और उस धुएं के अंदर वही नारियल की टोपाड़ी, उसमें घी डाल के हवन कुंड में डालते थे, फिर बैठते थे और प्रवचन चलता रहता था। संप सभा की बैठक चलती रहती थी। संप सभा, इसे संप सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संप का मतलब होता है प्रेम की सभा। हाँ, अलग अलग लिखा हुआ है, कहीं पे कार्तिक पूर्णिमा लिखा हुआ है, कहीं पे मार्क्सिस्ट पूर्णिमा लिखा हुआ है, कहीं पे आश्विन पूर्णिमा लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली मैक्सिमम मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को मानते हैं। ठीक है, आप तो सिर्फ पूर्णिमा याद रखें, यहां पर उलझाने वाली बातें अपन को नहीं करनी है। ठीक है साहब, तो संप सभा समानता की सभा की बैठक वहां पे चलती थी, लाखों की तादाद में भील आदिवासी वहां पर एकत्रित होते थे। 1903 से लगाकर 1913 तक मानगढ़ की पहाड़ी पर यह मेला सस्ता रहता था। अब लाखों की तादाद में भील लोग वहां पर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है दुकानें भी लगेंगी, बच्चे बूढ़े सब आएंगे वहां पर। ठीक है, अब धीरे धीरे हुआ यूं कि 1913 के आसपास, चलने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से गोविंदगिरी की एक्टिविटी चल रही है इस आदिवासी क्षेत्र में, उस हिसाब से ये जितनी भी रियासतें मैंने बताई हैं आपको, इन रियासतों के राजाओं को कहीं ना कहीं गोविंदगिरी से समस्या होगी या नहीं होगी? निश्चित है समस्या। ठीक है, अब गोविंदगिरी इन रियासतों को खटकने लगे थे पूरी तरह से, वो किसी भी हालत में गोविंदगिरी को वहां से उखाड़ना चाहते थे, उनकी सत्ता खत्म करना चाहते थे। एक समय ऐसा आया कि गोविंदगिरी को गिरफ्तार करने के लिए वही गुल मोहम्मद को भेजा गया। ध्यान देने की वाली बात यह है यहां पर विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस गुल मोहम्मद की हत्या का आरोप पूंजा पारगी पर आया था, वह गुल मोहम्मद जिंदा था और वो गिरफ्तार करने के लिए मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचा अपने पुलिस मजमे के साथ। यानी वो आरोप सरासर झूठा था। जब गोविंदगिरी को गिरफ्तार करने के लिए, आप सोचिए, मेले के दौरान अगर गुल मोहम्मद वहां पर पहुंचा है और गोविंदगिरी की फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि अप्रत्यक्ष रूप से यूं समझ लीजिए उनकी सरकार चल रही है, गोविंदगिरी को आदिवासी लोग अपना भगवान यानी मसीहा समझते हैं, चमत्कारी पुरुष मानते हैं, उनके होते हुए क्या गुल मोहम्मद गोविंदगिरी को हाथ लगा सकता है? नहीं लगा सकता। गुल मोहम्मद को गुल कर दिया पूंजा पारगी ने, यहां मारा था। गुल मोहम्मद की हत्या कर दी पूंजा पारगी ने। वहां पर सूंत में हत्या नहीं की थी, यहां पर की थी। तो बहाना मिल गया अब रियासतों को। ठीक है, बहाना मिल गया था अब इन रियासतों को कि अब गोविंदगिरी को कूटना जायज है। समझ गए? तो सारी रियासतें जो पहले से ये तय कर चुकी थी कि गोविंदगिरी की सत्ता को समाप्त करना है, इसलिए गोविंदगिरी की सत्ता को समाप्त करने के लिए सारी रियासतों ने ब्रिटिश सरकार को रिक्वेस्ट की कि गोविंदगिरी मानगढ़ की पहाड़ी पर अपने सारे आदिवासी भीलों को एकत्रित किए हुए हैं और आदिवासी जो भील हैं उनके पास में भयंकर वाले हथियार हैं और ये सारे इकट्ठा होकर आसपास की जितनी भी ब्रिटिश रियासतें हैं, भैया ये सारी रियासतें किसकी रियासतें? ब्रिटिश सरकार की ही रियासतें हैं ना। इन सारी ब्रिटिश रियासतों पर हमला करने वाले हैं, यानी वह सशस्त्र विद्रोह करना चाहता है, बगावत करना चाहता है। ब्रिटिश सरकार को इन सारी रियासतों ने रिक्वेस्ट की, इसलिए ब्रिटिश सरकार
ने अपनी 3 बटालियन भेजी मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर, और वो 3 बटालियन एक का नाम था वेलेजली राइफल्स, दूसरे का नाम था राजपूताना रेजिमेंट और एक बटालियन थी जिसका नाम था मेवाड़ भील कौर यानी एमबीसी। ये तीनों बटालियन पहुंची मानगढ़ धाम पर। कर्नल वाइली, कर्नल बैली, कर्नल हैमिल्टन तीनों कैप्टन वहां पर पहुंचे और पहुंचकर पूरे मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया गया और दोनों पहाड़ियों के चारों तरफ जो है वह मशीन गने तैनात कर दी गई, तोपे लगा दी गई, बंदूकें खचरों पर चढ़ा दी गई और गोविंद गिरी को अल्टीमेटम दिया कि सरेंडर कर दो। एक बात बताओ, जिस गोविंद गिरी को इतने लोग फॉलो करते हैं, उन्हें अपना मसीहा मानते हैं, अपना बाबूजी मानते हैं, क्या गोविंद गिरी इस कंडीशन में सरेंडर करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि आदिवासी समाज उनके भगतों में क्या मैसेज जाएगा, जिन्हें वो अपना, जो भगत उन्हें अपना गुरुजी कहते हैं, गुरु महाराज। और भीलों में उस समय ये जब उन्हें घेरा गया था मानगढ़ धाम में, तब उनमें कोई टेंशन जैसी बात नहीं थी, क्योंकि वो तो सोचते थे कि गोविंद गिरी एक चमत्कारी पुरुष है, उधर से जब बंदूकें आएगी, गोलियां आएगी, तोपों के गोले आएंगे तो सारे ततैया बन के उड़ जाएंगे। और वो तो नृत्य कर रहे थे जो हमेशा करते थे, कंबोई वा मारो वा सो है, दिल्ली मा मारी गादी है, अहमदाबाद मा मारी गादी है, बुरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानू, ये गाना बहुत चलता है उधर, नृत्य कर रहे थे ये भोली जनजाति। लेकिन इस भोली जनजाति को ये नहीं पता था कि ये मशीन गने जो हैं जब चलेगी तो ततैया बन के नहीं उड़ेंगे। गोविंद गिरी ने फिर भी वहां पर अपना डेलीगेशन भेजा, अपने आदमी भेजे कंपनी से मिलने के लिए, इन तीनों बटालियन के कैप्टन से मिलने के लिए अपने आदमी भेजे, और उन आदमियों ने 14 मांगे रखी, जिसे 14 सूत्रीय मांग पत्र कहा जाता है। उन 14 मांगों में एक मांग थी कि हमें जंगल का अधिकार दिया जाए, ठीक है, मऊड़ी बनाने का अधिकार दिया जाए, और सबसे जो भयंकर मांग थी, जो ये चाहते थे, कि हाड़ी प्रथा को बंद किया जाए और बदले में सालाना 125 फिक्स किया जाए, 125। अब आप जरा सोचिए, जिन ठाकुरों को फोगट में मजदूर मिलते थे आदिवासी समाज के लोग, वो 125 सालाना क्यों देंगे? सारी बातों पे सहमति हो गई थी, सिर्फ 2 बातों पे सहमति नहीं हुई थी। एक तो इन 14 मांगों में एक मांग तो वो थी कि जल जंगल जमीन का अधिकार मिले, यानी जंगल की जितनी भी चीजें हैं वो आदिवासियों को मिले, और दूसरा था हाड़ी प्रथा बंद करके सालाना 125 मजदूरी फिक्स कर दी जाए। इस बात पे सहमति नहीं बनी, गोविंद गिरी के आदमी वापस पहाड़ी पर आ गए। ब्रिटिश कंपनी तो इन्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जितने भी जागीरदार हैं ये बार बार उकसा रहे थे, क्योंकि उनकी सरकार खतरे में जा रही थी और वो कह रहे थे मारो इनको मारो। वही हुआ जो आप सब लोगों ने पढ़ा है, सुना है। अब महसूस कीजिए, 17 सितंबर 1913 की वो काला दिन जिसे भूल कर भी भुलाया नहीं जा सकता। इन तीनों बटालियन ने चारों तरफ से पहले तो पहाड़ी को आग लगाई, और आग लगाने के बाद में खच्चरों पर बंदूकें बांधकर, मशीन गने बांधकर अंधाधुंध फायरिंग करवाई,
लगातार 6 घंटे तक फायरिंग होती रही। नवंबर, थोड़ा फ्लो फ्लो में, 17 नवंबर 1913 नॉन स्टॉप फायरिंग चलती रही। कर्नल बेली ने तो यहां तक लिखा है कि इस फायरिंग के दौरान, आप विश्वास करोगे, इस फायरिंग के दौरान एक ऐसी मशीन गन से एक आदिवासी भील औरत की गर्दन उड़ के इतना दूर गिरी थी, खच्चरों पे बंदूकें बांध कर गोलियां चलाई गई थी साहब, एक औरत की गर्दन इतना दूर जाके गिरी थी कि उस औरत का बच्चा उसकी तरफ तेजी से भागा। उस फायरिंग में वो दूध पीने के लिए शायद भाग रहा था उधर। तब इस बेली को दया आ गई, इसने कहा स्टॉप फायरिंग, लेकिन किसी भी सामंत को दया नहीं आई। इतिहासकारों ने लिखा कि इस घटना को जलियांवाला बाग कहा जाता है। जलियांवाला बाग, इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है साहब। ब्रिटिश आंकड़े बताते हैं कि 1500 भील मारे गए। एक बात बताऊं मित्रों, मेले का दिन था, संप सभा की बैठक चल रही थी, पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र वहां पे आया हुआ था क्या, और 6 घंटे तक फायरिंग चलती रही, सिर्फ 1500 भील शहीद हुए थे? मजाक कर रहे हो आप? और सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि इसे जलियांवाला बाग कहा गया। एक बात बताओ, जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और यह हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ, ज्यादा से ज्यादा 800 साढ़े 800, और यह हुआ है 17 नवंबर 1913 को। तो पुराना कौन सा है? यहां 1500 जो मुझे आंकड़ा सही नहीं नजर आता, और वहां कितने लोग मारे गए? 800 साढ़े 800, तो भयानक कौन सा है? एक्चुअल में यह सब सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। आप जरा सोच के देखें, जिस कांग्रेस सरकार ने जो आंदोलन किए, उनके आंदोलन आंदोलन, बाकी गोविंदगिरी, पूंजा पारगी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी, ये अपने देश के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे क्या? अफसोस है, बट सत्य है। खैर, पॉइंट पे लौटते हैं। पॉइंट ये है कि उस गोली कांड के बाद में गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया गया, और इतना ही नहीं, 2 साल तक मानगढ़ की तरफ आने से पहले भील आदिवासी डरते थे बेचारे। गोविंदगिरी को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा तय की गई। लेकिन बड़ौदा की उस समय सयाजी राव गायकवाड़ की पत्नी ने उन पर थोड़ी दया की, और दया करके उनकी सजा फांसी की माफ करके 20 वर्ष की उम्र कैद की सजा दी गई। 20 वर्ष कैद, और उन्हें कंबोई गांव में रखा गया, अहमदाबाद के पास में, गुजरात में। तो
तो ये था इस आंदोलन का पहला पड़ाव। अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, टाइम भी हो गया। चलिए दूसरे पड़ाव पर हम अगली क्लास में जाएंगे। कर्नल शटल के आदेश पर जो फायरिंग हुई थी वह हुई थी मानगढ़ में नहीं हुई थी, वो हुई थी नीमड़ा गांव में।